नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कैबेज और शिमला मिर्च की सब्जी। इसके लिए मैं ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो कैबेज लिया है, जिसको अच्छे से धोकर काट लिया है। तो शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़ी सी करी पत्ता इसको भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर यूज करूँगी, जीरा और थोड़े से राई के दाने यूज करूँगी, और स्वादानुसार नमक यूज करूँगी, और सब्जी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी। आप चाहे तो कौन सी भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और गैस पे कढ़ाई रख देते हैं। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा राई का तड़का देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा और राई डालेंगे। जब जीरा अच्छे से तड़कने लगे तो इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और करी पत्ते डाल देंगे, और इसे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अदरक और हरी मिर्च थोड़ी सी भून चुकी है, अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। आप देख रहे हैं हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इसे भूनने से 2 से 3 मिनट लगे। अब इसमें हम कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च हल्का सॉफ्ट हो चुका है, इसे सॉफ्ट होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इसमें हम कटे हुए पत्ता गोभी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी पत्ता गोभी भी डालकर इसे हमें कवर करके पत्ता गोभी को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसमें हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्ता गोभी इतना पानी छोड़ देता है कि इतना सब्जी पक जाती है। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है। इसे 4 मिनट हो चुके हैं, हम अपना पत्ता गोभी चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं पत्ता गोभी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कटे हुए टमाटर लिया है वो डाल देती हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वादानुसार, आप चाहे तो इसमें हल्दी और मसाले भी डाल सकते हैं, बट बिना हल्दी और मसाले की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे खुले में 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम। अब इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जो पानी है वो सूख गया है, सब तक हमें इसे पकाना है। थोड़ा
थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसे हमें चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए अच्छे से और हमारी पत्ता गोभी अच्छे से तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसे हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। इसे हम हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। लीजिए पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी तैयार है। भले ही देखने में कलरफुल ना हो बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा ही होगा, यकीन मानिए। आप इसे एक बार खाइए, आप भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।